हेलो दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं चक्के। चक्के सबसे शक्तिशाली चीज़ जो पहले बुजुर्ग लोग बनाया करते थे और आज हम लोगों को सिखाया गया है। तो चक्के कैसे बनते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले दिखा देता हूँ, चक्के के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं। ये हमारा आटा है जिसमें हल्दी डालकर भूना जा रहा है, बादाम और गोंद, भुना हुआ आटा और हल्दी, सफ़ेद तिल है, तिल और नारियल, और ये है मावा। इसके अंदर गुड़ डाला जाएगा, फिर नारियल भी डाला जाएगा, मावा भी डाला जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। तो आटा भुन रहा है, करीब 15-20 मिनट तक भुनता है, टाइम लगता है। अच्छी तरीके से भुनने के बाद फिर इसके अंदर गुड़ मिलाया जाएगा, मावा मिला जाएगा। देखते हैं क्या क्या मिलता है, फिर बाद में कैसा बनता है। जब तक आटा को गर्म किया जा रहा है, इधर देखिए हमारी मामी जो काला तिल साफ कर रही है। काला तिल साफ करने के बाद भुना जाएगा जो चक्के के अंदर डलना है। तो पूरी मेहनत से ये साफ किया जा रहा है। अर्पिता भी लगी हुई है पूरी मेहनत के साथ, जो हाथ से कर रही है। ये जो गोंद थी इसमें घी डाला गया है और इसको भूना जा रहा है। अभी मिक्सी में हमने गोंद को पीस लिया था पाउडर फॉर्म में बना के, अब इसमें घी डालेंगे, इसको भूनेंगे।
क्या हर मेवा जो हमें डालना होता है। तो ये था वो जिसमें हमने घी और जो गोंद था उसका पाउडर मिला के हमने गरम किया था, उसके अंदर बादाम डाल दिया है और गोला डाल दिया है, घी डाल दिया है, सब तरीके के मेवा जो जो हमें डालना होता है सब डाल दिया। और अपनी मर्जी से भी कुछ भी डाल सकते हो, अखरोट हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, कुछ भी, सब कुछ डाला हुआ है हमारे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सचर बन जाएगा। अब इसे गुड़ के अंदर मिलाकर, गुड़ पकाने रखो। तो जो हमने मिक्सअप कर लिया ये है हमारा गुड़, गुड़ को पकाया जा रहा है। इसका हम मतलब कि पूरा पानी बना लेंगे इस तरीके से और फिर इसके अंदर वो मिलाएंगे पाउडर जो हमने बनाया है, वो मिलाने के बाद ऐसे आकार दे देंगे लड्डू का या किसी भी कोई भी आकार दे सकते हो, फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। गुड़ में मिलाकर, तो गाइस जो हमने पाउडर बनाया था वो जो गुड़ हमारा पिघल चुका था गर्म करने के बाद, उसमें हमने वो पाउडर मिलाया और अच्छे से घोटने के बाद एक थाली में रख लिया। जब ये सूख जाएगा तो इसका पीस बना देंगे या किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। हमारा चक्का तैयार हो गया है, अब हम इसको सूखने के बाद खा सकते हैं।